तो खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। मौजूदा वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, संगठन विस्तार पर बीजेपी की अहम बैठक जारी है। सीएम मनोहर लाल बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, संगठन मंत्री सुरेश भट्ट भी बैठक में मौजूद। बीजेपी संगठन का विस्तार होना है, बड़ी खबर इस वक्त की। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के भी चर्चा संभव है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। संगठन विस्तार पर बीजेपी की अहम बैठक जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से पवन सिवर जुड़े हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चंडीगढ़ आवास पर बीजेपी की संगठन विस्तार को लेकर बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, इसके साथ ही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और साथ ही बीजेपी के संगठन मंत्री सुरेश भट्ट इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में बीजेपी के संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की जा रही है और पहले ही जिला अध्यक्ष जो हैं वो भाजपा ने नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन इसके अलावा जिला प्रभारी, जिला महामंत्री और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी समेत तमाम जो पदों पर नियुक्तियां होनी हैं उन नियुक्तियों को लेकर ये बैठक हो रही है। और जो तमाम मोर्चे हैं उन मोर्चों में भी पदाधिकारी नियुक्त किए जाने हैं। तो आज मुख्यमंत्री के साथ संगठन की दृष्टि से जो प्रदेश के अध्यक्ष ओपी धनखड़ हैं और सुरेश भट्ट हैं वो बैठक कर रहे हैं। और इसके अलावा सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य कैसे बना रहे, किस तरह से तमाम मुद्दे जो हैं सरकार के सामने हैं उन पर संगठन का सहयोग कहां पर किस तरह से रह सकता है, इस बैठक में चर्चा की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न जो पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, विभिन्न बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन में जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर जो लगाए जाने हैं उनको लेकर भी सलाह मशवरा किया जा सकता है संगठन के दृष्टिकोण से, कि संगठन के लिहाज से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या संगठन मंत्री हैं वो किन किन पदाधिकारियों को सरकार के साथ रखना चाहते हैं, किनको संगठन में जो है वो रखना चाहते हैं। तो इस तरीके की तमाम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा आज ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास पर चंडीगढ़ में हो रही है। जी पवन, क्या लगता है कि ये जो नियुक्तियां हैं संगठन को मजबूत करने के साथ साथ बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर भी हो सकती हैं? जाहिर है कि चुनाव आयोग ने संकेत दिया था कि नवंबर के आखिरी हफ्ते तक जो है वो देश के विभिन्न राज्यों में जो उपचुनाव होने हैं उनकी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, लेकिन अब इस वक्त कोविड का जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा है ऐसे में चुनाव आयोग अपने उसी फैसले पर कायम है या फिर चुनाव आयोग पुनर्विचार इस मामले में करता है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हरियाणा की जो गठबंधन सरकार है उनकी बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी ने बड़ौदा में एक तरह से चुनाव के लिए पूरी तैयारी की हुई है। प्रचार वहां पर समय समय पर लगातार सभी राजनीतिक दल और नेता कर रहे हैं। इसी बीच बड़ौदा उपचुनाव के लिहाज से बीजेपी के संगठन में और गठबंधन की सरकार में क्या महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है इसके ऊपर भी आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और बड़ौदा जो है वो उसका उपचुनाव सरकार जो गठबंधन की है उनके लिए असल मायने में कड़ी परीक्षा है, चूंकि कांग्रेस के खाते में ये सीट लगातार पिछले 15 साल से रही है, लेकिन बीजेपी अब गठबंधन के साथ सत्ता में है और उपचुनाव में एक बीजेपी को अपना वहां पर गठबंधन का उम्मीदवार उतारकर और विधानसभा पहुंचाने में कितनी मदद मिलती है ये इसके लिए जो संगठन और सरकार के नज़रिए से जो जो ज़रूरी कदम हैं वो कैसे उठाए जाएँ इसके ऊपर भी चर्चा जाहिर सी बात है कि आज हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज की बैठक में संगठन विस्तार जिसमें जिला के ऊपर जो पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है, विधानसभा स्तर पर जो पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है, विभिन्न मोर्चे जो हैं बीजेपी के उनमें जो नियुक्तियां होनी है उनको लेकर खासतौर पर चर्चा होगी। और साथ ही सरकार में जो संगठन के बड़े चेहरे हैं उनका किस तरीके से कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है उसके ऊपर चर्चा आज की बैठक में की जाएगी। बिल्कुल, इसको तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा होने वाली है पवन। ऐसे में अहम बात ये हो जाती है कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ और लगातार वो संगठन को मजबूत करने की भूमिका भी अदा कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या जो अहम पदों पर नियुक्ति होनी है उसको लेकर के कुछ अहम नाम मांगे गए हैं उनकी तरफ से? देखिए, हरियाणा बीजेपी के जो नवनियुक्त ओम प्रकाश अध्यक्ष हैं प्रदेश के, ओम प्रकाश धनखड़, उनका राजनीतिक तौर पर और संगठन के लिहाज से उनका लंबा
चौड़ा अनुभव है। बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ रहे हैं, पिछले 5 साल के कार्यकाल में सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन संगठन के नज़रिए से भी उनका काफ़ी तजुर्बा है। और इस लिहाज से जब आज बैठक में वो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ मोर्चों के पदाधिकारियों के नाम और कुछ जो जिला के तौर पर जो प्रभारी या जिला महामंत्री या फिर विधानसभा के स्तर पर जो नियुक्तियां संगठन के दृष्टिकोण से होनी है उनकी सूची भी उन्होंने लगभग तैयार की हुई है और उसके ऊपर चर्चा होगी। उसमें मुख्यमंत्री क्या सुझाव देते हैं, संगठन की मजबूती के लिहाज से मुख्यमंत्री का नज़रिया रखते हैं, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन नाम जो है वो ज़रूर एक सूची तैयार की गई है और उम्मीद की जा सकती है कि आज की इस बैठक के बाद जल्द आने वाले एक हफ्ते में ही बीजेपी में संगठन का विस्तार देखने को मिल सकता है। बिल्कुल पवन, जिस तरीके से चुनावों के दौरान आम चुनाव जो थे प्रदेश के, उस दौरान तमाम तरह के समीकरण देखने को मिले कि साधे गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या ऐसे में बड़ौदा उपचुनावों के मद्देनजर तमाम तरह के समीकरणों को साधने के लिए भी ये नियुक्तियां होने वाली हैं और उस नियुक्ति में तमाम राजनीतिक समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर जब सरकार में किसी तरीके की नियुक्तियां की जाती है या फिर संगठन में महत्वपूर्ण जो पद दिए जाते हैं तो तमाम समीकरण, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है या फिर सामाजिक समीकरण है, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाता है। और संगठन में से कौन बड़े चेहरे के तौर पर सरकार में विभिन्न बोर्ड में निगमों में कॉरपोरेशन में चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, कहाँ पर कौन सदस्य बनाए जा सकते हैं, ये नियुक्तियाँ जो है वो तमाम क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण हो, चाहे फिर क्षेत्रीय समीकरण हो, सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर ही तय की जाती है। और इसके साथ ही संगठन में भी कौन कितना किस तरीके से काम करने में रुचि रखता है, कितना कहाँ पर किस जगह पर एक्टिव है और कौन सी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं, इस तरीके के सभी तरह के जो समीकरण हैं उनको देख कर ही फैसला लिया जाता है। और बड़ौदा उपचुनाव जो है वो एक बड़ी और कड़ी परीक्षा है, चाहे गठबंधन की सरकार हो या फिर विपक्षी पार्टी, सत्ता पक्ष विपक्ष में जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी या फिर इंडियन नेशनल लोकदल या कोई अन्य राजनीतिक दल भी जो वहाँ पर अपनी जीत का दमखम भर रहे हैं, उनके लिहाज से गठबंधन की सरकार या खासतौर पर बीजेपी की क्या रणनीति हो, इसके ऊपर चर्चा जाहिर सी बात है कि आज की इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन मंत्री कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, अपना बहुत